हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें ताकि आप हमारे लेटेस्ट वीडियो को देख सकें। आज हम आपको ग्राफिक के चित्र और उनके चित्रकारों के बारे में बताएंगे कि किस चित्र को ग्राफिक के किस चित्र को किस चित्रकार के द्वारा बनाया गया है और कौन से मीडियम में बनाया गया है, कौन से माध्यम में बनाया गया है। तो आइए देखते हैं, चित्र है एपोकालिप्स। तो जो ये एपोकालिप्स चित्र है ये ड्यूरर के द्वारा बनाया गया है और यह एक कास्ट चित्र है, ठीक है। द लाइफ ऑफ द वर्जिन, यह चित्र भी कास्ट चित्र है और यह भी ड्यूरर ने ही बनाया था। द ग्रेट ट्रिम्फल कार, यह चित्र भी कास्ट चित्र है और यह भी ड्यूरर ने बनाया था। तो ड्यूरर के ये तीन चित्र हैं, एपोकालिप्स, द लाइफ ऑफ द वर्जिन, द ग्रेट ट्रिम्फल कार, और तीनों ही चित्र कास्ट चित्र हैं। इनमें से जो इम्पोर्टेंट है वो एपोकालिप्स और द ग्रेट ट्रिम्फल कार जो है मोस्ट इम्पोर्टेंट है, मोस्टली पेपर में पूछा जा भी चुका है। नेक्स्ट आते हैं द डांस ऑफ डेथ। द डांस ऑफ डेथ ये भी कास्ट चित्र है, ये हॉन्स हॉबिन के द्वारा बनाया गया चित्र है। हॉन्स हॉबिन, द डांस ऑफ डेथ, ठीक है। नेक्स्ट है आइकोनोग्राफी। आइकोनोग्राफी जो है ये अम्लांकन है, एचिंग में बना हुआ है और ये वेन डक ने बनाया था, ठीक है। आइकोनोग्राफी अम्लांकन माध्यम में बना है, एचिंग में बना है और ये वेन डक ने बनाया था, ठीक है। नेक्स्ट है भिखारी। जो भिखारी चित्र है यह भी अम्लांकन में बना है और ये रेम्बा के द्वारा बनाया गया था। नेक्स्ट द डिजास्टर ऑफ द गुवेरा। द डिजास्टर ऑफ द गुवेरा यह चित्र भी अम्लांकन में बनाया गया है और यह गोया ने बनाया था, ठीक है। नेक्स्ट द मूड़ी। द मूड़ी चित्र जो है ये एक्वांटिंट में बना हुआ है, एक्वांटिंट में बना हुआ है और यह गोया के द्वारा बनाया गया था, ठीक है। ये एक्वांटिंट का है। एक्वाटिंट और गोया ने बनाया था। नेक्स्ट है कोसाक स्वार। कोसाक स्वार जो है ये लिथो छापा में बना है और इसको वेरून ल जॉन ने बनाया था, ठीक है। नेक्स्ट नेचुरल हिस्ट्री ऑफ बुफोन। नेचुरल हिस्ट्री ऑफ बुफोन जो है ये एक्वाटिंट में बना था और पिकासो के द्वारा यह चित्र बनाया गया था। नेचुरल हिस्ट्री ऑफ बुफोन जो है चित्र एक्वाटिंट माध्यम में बना था और यह पिकासो के द्वारा बनाया गया था। नेक्स्ट देखते हैं राजा राम मोहन राय। राजा राम मोहन राय चित्र लिथो छापा में बना है। किसमें बना है? लिथो छापा में ये बना है और ये किसके द्वारा बनाया गया था? यह नवीन चंद्र घोष के द्वारा बनाया गया था, ठीक है। नेक्स्ट उड़ीसा के पुरावशेष। उड़ीसा के पुरावशेष ये भी लिथो छापा में बनाया गया है और यह आनंद प्रसाद बागजी के द्वारा बनाया गया था। अब आते हैं नेक्स्ट पर हरिश्चंद्र तारामती। हरिश्चंद्र तारामती चित्र जो है यह ओलियोग्राफ में बनाया गया है, यह ओलियोग्राफ में बनाया गया है, ठीक है। और यह किसने बनाया था? राजा रवि वर्मा ने बनाया था ओलियोग्राफ में। नेक्स्ट जलपान। जलपान जो है जलपान लिथो छापा में बना है और गगनेंद्रनाथ टैगोर के द्वारा यह चित्र बनाया गया था। नेक्स्ट शकुंतला की विदाई, यह अम्लांकन में है और एचिंग में है, यह मुकुल डे के द्वारा बनाया गया था। हिरन। हिरन चित्र लीनोकट में बना हुआ है, लीनोकट में, और ये नंदलाल बोस ने बनाया था। आवास ग्रह। आवास ग्रह अम्लांकन में बना है और अब्दुल रहमान चुगताई ने यह चित्र बनाया था। रेफ्यूजी बच्चे। रेफ्यूजी बच्चे जो है यह चित्र लीनोकट में बना है, यह चित्र लीनोकट में बना है और यह चित्र चित प्रसाद ने बनाया था, ठीक है। इसके बाद आते हैं लामा मिलारेपा। लामा मिलारेपा यह चित्र अम्लांकन में बना है, एचिंग में बना है यह चित्र और यह कमल कृष्ण के द्वारा बनाया गया था, ठीक। इसके बाद आते हैं मास्क। मास्क जो है यह इंटेग्रियो पद्धति में बना है और यह देवयानी कृष्ण के द्वारा बनाया गया चित्र है मास्क। ये सभी आपको मोस्ट इम्पोर्टेंट चित्र और उनके चित्रकार के नाम बताए जा रहे हैं और किस मीडियम में बने हैं उनके बारे में बताया गया है। नेक्स्ट आते हैं मस्खरा। मस्खरा चित्र जो है
यह है विस्कोसिटी। विस्कोसिटी मीडियम में बना है, ठीक है, विस्कोसिटी पद्धति में बना है ये, और यह कृष्णा रेड्डी के द्वारा बनाया गया था। इसके बाद आते हैं नाइट मीटिंग पे। नाइट मीटिंग जो है ये मोस्ट इम्पोर्टेंट है। यह है वुड एंग्रेविंग चित्र है, और यह किसने बनाया था, यह सोमनाथ होर ने बनाया था। मोस्ट इम्पोर्टेंट है, बहुत बार एग्जाम में पूछा जा चुका है। ऐसे ही वुड्स है, वुड्स भी मोस्ट इम्पोर्टेंट है, और वुड्स जो है पल्प छापा में बनाया गया चित्र है, और यह सोमनाथ होर ने बनाया था। ठीक, नेक्स्ट है तितली। तितली जो है ये इंटेग्लियो पद्धति में बनाया गया चित्र है, और यह है अमिताभ बनर्जी द्वारा बनाया गया चित्र है। अमिताभ बनर्जी ने इस चित्र को बनाया था। तो तितली के जो चित्रकार है वो अमिताभ बनर्जी है, और इंटेग्लियो में ये बनाया गया चित्र है। इसके बाद आते हैं कंपोजिशन बी। कंपोजिशन बी और कंपोजिशन दोनों अलग अलग हैं। तो जो कंपोजिशन बी है वो मिक्स्ड मीडिया में बना हुआ चित्र है, और ये जगमोहन चोपड़ा के द्वारा बनाया गया है। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं कंपोजिशन। कंपोजिशन जो है वो रंगीन इंटेग्लियो है, कलर्ड इंटेग्लियो है, कलर्ड इंटेग्लियो में बनाया गया चित्र है, और ये जय झरोटिया ने बनाया था। ठीक है, इसके चित्रकार कौन है, जय झरोटिया कंपोजिशन के, और कंपोजिशन बी के कौन थे, जगमोहन चोपड़ा, और वो मिक्स मीडियम में बनाया गया था, मिक्स मीडिया में, और जो कंपोजिशन है वो कलर इंटेग्लियो में बनाया गया चित्र है, और जय झरोटिया ने इसको बनाया था। इसके बाद आते हैं मिस्ट्री। मिस्ट्री जो है वो सैरीग्राफी में बनाया गया चित्र है, सैरीग्राफ, और ये किसके द्वारा बनाया गया है, जय झरोटिया ने इस चित्र को सैरीग्राफ में बनाया था। ठीक है, मिस्ट्री को। फिर इसके बाद आते हैं विद पिलर्स। विद पिलर्स जो है यह भी सैरीग्राफी का है चित्र, सैरीग्राफी मीडियम, ठीक है, और यह परमजीत सिंह के द्वारा बनाया गया है। इसके बाद आते हैं अवेकनर। अवेकनर चित्र जो है, अवेकनर है ये, तो अवेकनर चित्र जो है ये भी सैरीग्राफी चित्र है, और यह परमजीत सिंह के द्वारा बनाया गया चित्र है। इसके बाद आते हैं रीफोर्स। रीफोर्स जो है ये कोलोग्राफ में है, ठीक है, कोलोग्राफ में, और यह कृष्ण आहूजा के द्वारा बनाया गया चित्र है। तो ये मोस्ट इम्पोर्टेंट चित्र आपको बताए जा रहे हैं, जो एग्जाम में बहुत बार पूछे जा चुके हैं। इसके बाद आते हैं जीवन एक क्रांति। जीवन एक क्रांति चित्र है, ये भी कोलोग्राफ में है, ठीक है, और यह चित्र किसने बनाया था, अनुपम सूद ने बनाया था। कोलोग्राफी का है ये भी, अनुपम सूद के द्वारा यह बनाया गया है। ट्रिब्यूट ये भी मोस्ट इम्पोर्टेंट है, और यह एक्वाटेंट में बना है। ट्रिब्यूट किस में बना है, एक्वाटेंट में बना है, और यह अनुपम सूद के द्वारा बनाया गया चित्र है। इसके बाद ऑफ बॉल्स। ऑफ बॉल्स ये भी इम्पोर्टेंट चित्र है, ये फोटो अम्लांकन में बना है, और अनुपम सूद के द्वारा बनाया गया चित्र है। विजन, विजन अम्लांकन में बना है, और यह शैल चोयल के द्वारा बनाया गया चित्र है। इसके बाद आते हैं प्लेनेट। प्लेनेट जो है प्लेनेट अम्लांकन में ही है ये भी, और यह पाल कोहली के द्वारा बनाया गया चित्र है। पाल कोहली ने इस चित्र को बनाया था, ये भी इम्पोर्टेंट है। इसके बाद आते हैं मैदान में मोर। मैदान में मोर मोस्ट इम्पोर्टेंट चित्र है जयंत पारिख का, और यह कोलोग्राफी में बनाया गया है, ठीक है, कोलोग्राफी में। और द फिश, द फिश अम्लांकन में बनाया गया, ये भी इसका, रीनी धुमाल का मोस्ट इम्पोर्टेंट चित्र है, एग्जाम में पूछा भी जा चुका है, और यह अम्लांकन में बनाया गया है, एचिंग में, ठीक है। टेम्पटेशन, टेम्पटेशन जो है ये भी अम्लांकन में है, एचिंग में है, और यह पी एस चंद्रशेखर द्वारा बनाया गया है। इसके बाद आते हैं बिल्ली। बिल्ली जो है वो सॉफ्ट ग्राउंड में है, कौन से उसमें बना है, ये सॉफ्ट ग्राउंड चित्र है, सॉफ्ट ग्राउंड माध्यम है, ठीक है, और यह आर बी भास्करन के द्वारा बनाया गया है। ठीक, उल्लू, उल्लू जो है एक्वाटेंट में बनाया गया है, ठीक है, किसमें, एक्वाटेंट में, और तपन घोष, तपन घोष ने इसको बनाया है। ठीक, नेक्स्ट है सैरीग्राफ। सैरीग्राफ जो है, सैरीग्राफ छापा चित्र, ठीक है, यह मोती झरोटिया के द्वारा बनाया गया चित्र है। इसके बाद संगम है। संगम सैरीग्राफी चित्र है, सैरीग्राफ में बना है, और ये मोती झरोटिया के द्वारा है, ये भी
फिर फ्लाइंग विद रेनबो ये भी सैरीग्राफ में बना है और ये भी मोती झरोटिया के द्वारा बनाया गया है। तो संगम और फ्लाइंग विद रेनबो ये दोनों मोस्ट इम्पोर्टेंट चित्र हैं किसके, मोती झरोटिया के। और इमेज सेकंड ये भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन हैं और इमेज सेकंड जो है ये लिथो छापा में बना है और ये भी क्वेश्चन एग्जाम में पूछा जाता है और यह दत्तात्रेय आप्टे के द्वारा बनाया गया चित्र है। पपेट मेकिंग लव सेकंड, ठीक है ये सेकंड है, 11 मत समझना इसको, सेकंड लिखा हुआ है ये। और यह चित्र जो है कास्ट चित्र है, वुड चित्र, ठीक है, और वुडे बना है ये और ये जयंत गजेरा के द्वारा बनाया गया चित्र है।